चेयरमैन आरटीडीसी, बहादुर सिंह जी शेखावत गुप्ता मैरोली। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। भैया पीछे आ जाओ, भैया पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई चलो कि भैया ना सभी श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब, चेयरमैन आरटीडीसी, राज्य मंत्री, राज्य सरकार, मंच पर आसीन सभी राजपूत सेवा संस्था। मैंने कहा था प्रतिभा पाटिल जी देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनी, दो केंद्रीय मंत्री, जोधपुर महाराजा की बहन चंद्रेश कुमारी जी कैबिनेट मंत्री रही, अलवर से सांसद रहे, अलवर के वो राज परिवार के सदस्य भी हैं, भवन जितेंद्र सिंह जी अभी भी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, अभी यहाँ वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो AICC के सेक्रेटरी बनकर राजस्थान के सह प्रभारी भी हैं। मेरा जैसा एक सामान्य आदमी, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने एक मेरे पिताजी पशुपालन विभाग में कंपाउंडर की नौकरी की, उन्होंने उनका बेटा जो लिपिक की नौकरी की, उस आदमी को RTDC का चेयरमैन बनाया जिसका चेयरमैन पहले राजमाता जयपुर गायत्री देवी जी रही, महाराजा जोधपुर रहे, और तीसरा आदमी मेरे को बनाया। तो ये मेरे को थोड़ी बनाया, ये पूरे राजपूत समाज का सम्मान किया। आने वाला जो चुनाव होगा 2023 का, ये मुद्दे आधारित चुनाव होगा, कौन किसका भला किया ज़्यादा। आप जानते हैं राजपूत कौम है, राजपूत समाज है, वो कभी भी जो उसका भला करे, जो उसका हित की बात करे, ये बहुत विश्वास के साथ राजनीति करती है। राजपूत कौम बहुत वफादार कौम है, जिसका खाया अन्न उसके प्रति होगा मन। मुख्यमंत्री जब हमारा इतना भला किया तो हम कैसे भूल सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, अशोक गहलोत जी के साथ इस बार राजपूत समाज पूरी ताकत से खड़ा होगा। और आपको लगेगा अंदाज कि 2023 में इस बार रिवाज बदलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वापस रिपीट होगी। इसका मतलब चौथी बार गहलोत सरकार।